नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। चुनावी माहौल में दल बदल की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ रही है। इसी क्रम में मुंबई से कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ ने राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी यानी NCP का दामन थाम लिया है। उनकी NCP में ये एंट्री महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और NCP प्रमुख सुनील तटकरे की मौजूदगी में हुई है। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये तब हुआ है जब कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगामी चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। जावेद श्रॉफ इससे पहले कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी पार्टी छोड़कर NCP में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने नेताओं को पहले ही सख्त चेतावनी दी थी कि वे अपने सहयोगी दलों या गठबंधन की पार्टियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान ना दें। इस घटना से कांग्रेस के आंतरिक खींचतान और असंतोष का संकेत मिलता है, जबकि इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत जारी है। ये चुनाव राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति गठबंधन की सरकार है, जिसके मुखिया शिवसेना के एकनाथ शिंदे हैं। इस सत्ताधारी गठबंधन में शिवसेना के अलावा भारतीय जनता पार्टी, BJP और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी MBA है। इसमें उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यानी UBT कांग्रेस तथा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों राज्यों में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच मुकाबले का मंच तैयार हो चुका है। वहीं झारखंड में भी दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के साथ 23 नवंबर को होगी।